एक बार फिर से मेरे न्यूज टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक टाइमलाइन तय किया गया है। इस टाइमलाइन के अंदर सभी शिक्षकों को यह कार्य करना अनिवार्य है। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा, साथ में कार्रवाई भी आपके ऊपर होगी। तो क्या है पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। आपको बता दें कि आने वाले समय में यानी अगले माह 3 अक्टूबर से बिहार राज्य के लाखों शिक्षकों का उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाया जाएगा, जिस पर ई शिक्षा कोष ऐप पर सभी शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है और उसका टाइमलाइन भी फिक्स कर दिया गया है। अगर टाइमलाइन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, प्रोफाइल अपडेट नहीं करते हैं, सभी तरह का डाटा अपना अपलोड नहीं करते हैं तो अगले माह का आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह आदेश पूर्व में ही जुलाई में ही जारी किया गया था और इस ऐप का निर्माण किया गया था। इस ऐप का कार्य है कि स्कूल परिसर के अंदर आप जब प्रवेश करेंगे तो यह ऐप आपका कार्य करने लगेगा और इसी के माध्यम से आपकी उपस्थिति बनेगी और इसी के माध्यम से आपको आने वाले समय में अवकाश भी मिलेगा और सभी तरह का इसमें डाटा आपको अपलोड करना है, जहाँ तक कि आपको आने वाले समय में विद्यार्थियों का भी डाटा इसमें अपलोड करना है। तो यह डाटा अपलोड करने के लिए आपको टाइमलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जारी कर दिया गया है। अगर टाइमलाइन के अंदर अपना यह डिटेल्स फिलअप नहीं करते हैं तो आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का कई जिला में आदेश जारी किया गया है। तो आप सभी अवश्य इस डाटा को अपलोड कर ले ई शिक्षा कोष ऐप पर। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं, वहां पर वीडियो अपलोड किया गया है, उसको देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।